राजस्थान के चुनावी माहौल में जहां लगातार नेताओं की भागदौड़ बहुत तेज है आज विधानसभा क्षेत्र बानसूर है हमारे साथ राजस्थान सरकार की मंत्री कैबिनेट मंत्री रही शकुंतला रावत मौजूद हैं मैडम पाँच साल का जो आपका कार्यकाल रहा राजस्थान में गहलोत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के आधार पर कांग्रेसी नेता दावा कर रहे हैं कि सरकार रिपीट होने जा रही है कितने सहमत हैं आप इस दावे से इसमें लोग सहमत हैं जो आप पूछ रहे हैं कि कितने सहमत हैं इसमें पूरा पूरा सहमत इसलिए हैं क्योंकि पिछले पूरे पाँच वर्ष में जो काम हुए हैं जो महंगाई राहत कैंप लगे चाहे आप वृद्धावस्था पेंशन हो विधवा पेंशन एक हज़ार कर दी पर ईयर वो बढ़ेगी पालनहार पंद्रह सौ रुपये कर दी चिरंजीवी योजना पच्चीस लाख रुपए तक का इलाज फ्री है औ, औ, और दूसरा दुर्घटना बीमा जिसके घर में कोई दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो पाँच से दस लाख रुपए देना कोरोना में जिनके माता पिता नहीं रहे उनमें से एक बच्चे को नौकरी देने मेरे बांसूर के भी हैं उसमें और बेटी की शादी में उसको पाँच लाख रुपए देना अट्ठारह वर्ष की होते ही आर जी एच एस है ओल्ड पेंशन है ओल्ड पेंशन देखिए कि राजस्थान के कर्मचारी जो है उसका भविष्य सिक्योर करने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया और आर की उसके कर्मचारी के परिवार में अगर कोई बीमार है तो उसको दवाई खरीदने के लिए जाना है तो उसको पैसे ले जाने की जरूरत नहीं है कार्ड दिखाएगा आर का और उसको दवा मिल जाएगी तो ऐसी सुविधाएं जो दी हैं पहले कभी भी कोई घटना दुर्घटना होती बीमारी होती तो उसको अपना खेत गिरवी रखना पड़ता था घर गिरवी रखना पड़ता था आप देखिए कि चिरंजीवी योजना से गांव, ढाणी कस्बे राजधानी हर क्षेत्र प्रभावित है कांग्रेस पार्टी की एक एक योजना जो आप उठाकर देखिए कि किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री है घरेलू में 200 यूनिट बिजली फ्री है बच्चियों को शिक्षा फ्री है बालिका ड्रेस फ्री है तो हर पूरे राजस्थान में एक साथ सारी स्कूलें बारहवीं कर दी पंचायत की दसवीं जो भी थी बारहवीं हो गई है तो ये सारे जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलना पी एस ग्राम पंचायत तहसीलें बनाना एस ऑफिस बनाना मतलब पूरे राजस्थान आज अगर आप देखेंगे तो सत्तर पिचहत्तर साल का एक तरफ उठा लीजिए और अब का काम एक तरफ उठा के देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है ऐसा काम कभी भी इतिहास में नहीं हुआ सबसे बड़ा काम आप देखेंगे कि अभी तक आपने सुना होगा कि ग्राम पंचायतें बनी तहसीलें बनी लेकिन जिले बनाना एक बहुत बड़ा काम था जो कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक राजस्थान का नक्शा बदलने का काम किया है और हर आदमी को राहत पहुंचाने का जो काम किया है ये एक सराहनीय है पूरे राजस्थान में एक कांग्रेस पार्टी की लहर है और जीतेगी शुकला जी भाजपा जिस तरीके से एक समय तक हमलावर रही कांग्रेस पे और कहा गुटबाजी और खेमेबाजी की लगातार बातें थी हालिया दिनों में पायलट साहब के बयान आ रहे हैं कि पार्टी में एकजुट होकर काम करना चाहिए सब कुछ मैनेज है लग रहा है आपको कांग्रेस एकजुटता से चुनाव लड़ने जा रही है इस बार कांग्रेस पार्टी में कभी भी कोई गुट था ही नहीं कांग्रेस पार्टी एक बड़ा परिवार है और बड़ा परिवार होने के नाते जो भी कोई बात होती है तो बड़ा परिवार में जो साझा का परिवार है लेकिन संगठित परिवार है कांग्रेस पार्टी एक है कोई गुट नहीं है बीजेपी के पास काम कुछ है नहीं वो कोई विकास की बात नहीं करती है वो करेगी तो गुट की बात करेगी या और नई नई बातें उठा कर लाएँगे लेकिन कोई विकास के मुद्दे की एक भी कोई बीजेपी का नेता बात करता हो तो हमें बता दें स्थानीय स्तर पर बहुसंख्यक समाज से आप आती हैं लगातार कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि मैडम का कहीं ना कहीं विरोध है लेकिन समय रहते सब कुछ मैनेज होने का आप दावा कर रही हैं क्या लगता है एकजुटता का जो सच है वो कितना सच नजर आ रहा है ऐसा है कि कुछ जो बंधु होते हैं आप जानते हैं कि मोबाइल से वीडियो बना करके चलाते हैं कि मैं फला मीडिया से हूँ कोई भी कुछ भी कह सकता है तो वो चलाने से कोई ये नहीं होता कि कोई विरोध में है कि मैं फलाने का विरोध है विरोध कर रहा है कोई व्यक्ति तो पूरे समाज का विरोध है मेरे बांसूर की 36 कौम एक है और 36 कौम के बिना तो चुनाव भी नहीं जीता जाता हर व्यक्ति की उसमें भागीदारी होती है तो मैं मानती हूँ कि मेरे बांसूर एक परिवार है उस परिवार को ये इस तरीके से जो दूसरी पार्टी के लोग है वो तोड़ने का काम करते हैं लेकिन मेरा बांसुर एकजुट है छत्तीस कौम एक देखिए छत्तीस कौम की आप लगातार बात कर रही हैं लेकिन आपका एक बड़ा वोट बैंक बहुजन समाज से रहा है और इस बार लगातार अन्य प्रत्याशियों की नजर हम बात करें बसपा भी यहां से भी आज़ाद पार्टी हो, भी हो कोई भी पार्टी सब अपना अपना अस्तित्व रखती है मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँ लेकिन जो कांग्रेस पार्टी ने किया कांग्रेस पार्टी ने एससी सी के लिए आप देखेंगे कि पूरे राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत देश में प्रमोशन में आरक्षण कहीं भी नहीं है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ही सामान्य मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ही राजस्थान में प्रमोशन में आरक्षण दिया है बाकी पूरे इंडिया में कहीं पर भी नहीं है प्रमोशन में आरक्षण सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की देन है तो ऐसा नहीं है कि ये लोग अफवाह उड़ाते हैं कि वहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे बहुत समझदार कौम है सुप्रीम कास्ट है मेरी नजर में और ऐसा कोई नहीं है ये अफवाहों का बाजार है और अफवाहें चल करके उड़ के उड़के दब जाएंगी सब एकजुट है इस पर मुकाबला किससे लग रहा है यहाँ भारतीय जनता पार्टी से या पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा से मेरा मुकाबला मेरे को लग नहीं रहा किसी से कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद आप लगातार आपके समर्थक लगातार दावा कर रहे हैं हैट्रिक बनाने का बनती नजर आ रही है आप देखेंगे कि बानसूर विधानसभा का अगर रिकॉर्ड उठा करके आप देखेंगे बांसूर का रिकॉर्ड उठा के देखें कि देश को आजाद हुए छिहत्तर वर्ष हो गए और पिछहत्तर से छिहत्तर वर्षों में जो बांसूर का व्यापारी वर्ग था व्यापारी वर्ग की सबसे बड़ी मांग थी कि बानसूर कस्बे को नगर पालिका बनाया जाना चाहिए तो वो क्यों पूरी नहीं हुई इतने दिन से तो पहले मेरे से पहले जो जीते वो मंत्री भी रहे लेकिन उन्होंने नगर पालिका नहीं बनाया अब आप सोचिए नगर पालिका बांसूर कस्बा बना तो नगर पालिका में बड़ी बड़ी मरकरी लाइटें लग गई हैं बांसूर की गली गली पक्की हो गई है नालियाँ बन गई हैं और सीसीटीवी कैमरे लग गए शौचालय बन गए कई बार कई मोबाइल पे दिखाते हैं कि बानसूर की एमएलए जो है विधानसभा महिला है और वहाँ शौचालय नहीं है तो मैं कहती हूँ कि शायद उन्होंने की नज़र कैसे नहीं पड़ी है शौचालय तो बने हुए हैं अभी बने अब से पहले कभी नहीं बने और भी जहाँ जहाँ जगह मिल रही है हम बनाने का हमारा प्रयास है कि महिलाओं को सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए तो ये नगर पालिका का सपना छिहत्तर साल में पूरा किया तो किसने किया कांग्रेस पार्टी की सरकार ने शकुंतला रावत ने किया बांसूर में डिप्टी ऑफिस खोलना बांसूर कस्बे में चौकी खोलना और सबसे बड़ा काम आप देखिए कि जब घटना दुर्घटना हो जाती है एक्सीडेंट होते हैं ऐसी कोई गाँव ग्राम पंचायत नहीं है ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहाँ की एक्सीडेंट नहीं होते हैं लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद हमारे आ, पेशेंट को हमें जयपुर ले जाना पड़ता है और जयपुर ले जाते वक्त आप सोचिए कि एक बाप के हाथ में एक भाई के हाथ में जब उसके प्राण निकलते तो बड़ा दुख होता है आत्मा रोती है तो मेरा सपना एक ही था कि मेरे बांसूर में एक बड़ा अस्पताल बने आज कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ गोली दवाई नहीं खा रहे होंगे कुछ ना कुछ तो रहता ही है छोटा मोटा तो मैंने ये सोचा कि मेरे बांसूर की जनता को दूसरी जगह चक्कर नहीं काटना पड़े सारी सुविधा मिले एमआरआई सीटी सी स्कैन सोनोग्राफ में उप जिला अस्पताल का काम चालू हो गया है मेरी कोई घोषणा झूठी नहीं है आप देख सकते हैं उसको लोग कहते हैं कहाँ बन रहा है अरे उनकी जानकारी में नहीं है तो बता देती हूँ काली माता का मंदिर है उससे आगे उपजिला अस्पताल का काम चालू है ट्रोमा सेंटर का काम चालू है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं और इतने वर्ष हो गए देश को आजाद हुए जीते दंगे वैसे कर देते हैं वो दंगा कर रहा है वो ऐसा कर रहा है अरे सरकारी कॉलेज ही नहीं था बांसूर विधानसभा क्षेत्र में सरकारी कॉलेज नहीं होना कितनी बड़ी बात है तो सरकारी कॉलेज की अब बिल्डिंग बन तैयार हो गई मेरे से पहले घोषणाएं कर दी पत्थर लगा दिए गए थे लेकिन कॉलेज बना नहीं था अब बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है बांसूर में सीएससी खोलना पीएससी खोलना सड़कें बनाना आदिवासी क्षेत्र जहां मानते थे वहां तक सड़कें बनाना और नारायणपुर जो ब्लॉक है नारायणपुर में आप सोचिए कि जो हमारे एक छोटी सी ग्राम पंचायत माना जाए लेकिन आज हमारी दस पंचायत इधर की और आगे की और पंचायत मिला करके हमारी सत्रह अट्ठारह जो पंचायत है उनमें आप देखिए कि अब हमारा यहाँ तहसील बन गया नारायणपुर एस ऑफिस खुल गया यहाँ पर बालिका कॉलेज खुल गया पंचायत समिति यहाँ बन गई और अंबेडकर छात्रावास शानदार कस्बे में बन रहा है तो ये चीज़ें क्यों नहीं लोगों ने सोची बालिका कॉलेज है पंचायत समिति एस ऑफिस तहसील बिजली के पानी के पी के एक्शन ऑफिस तो किसी की कि सोच ही नहीं है सिर्फ और सिर्फ नाम लगाएंगे ये जाति है ये धर्म है जाति के नाम पे हमारी भोली भाली जनता मेरे बांसूर के परिवार को ये ठगना चाहते हैं मेरा यही आप सभी से निवेदन है कि आप ठगे नहीं जाएं आने वाली 25 तारीख को कांग्रेस पार्टी के हाथ का बटन दबाकर इस विकास की गति को और आगे बढ़ाने का काम करें मैडम प्रचार आपने कर दिया कांग्रेस का और आपका एक और मैं हार्ड क्वेश्चन अब आपसे ले रहा हूँ लगती हुई विधानसभा है पूर्व मंत्री हैं जसवंत यादव हम उनसे एक एक इंटरव्यू कर रहे थे उन्होंने प्रेडिक्शन किया भविष्यवाणी की है तीनों मंत्री जो बहरोड से लगते हैं कोटपुतली बानसुर ग्रामीण हार की घोषणा कर रहे हैं आपकी क्या प्रतिक्रिया आपकी ऐसा है कोई किसी की कुछ भी घोषणा कर सकता है वो उनकी मेंटेलिटी है घोषणा से क्या होता है आप देखेंगे की तीनों जीतेंगे